हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? आई हो, आप सब अच्छे होंगे और मैं भी हूँ अच्छी। और मैं अभी बजे हैं 5:30, और 5:30 बजे लगा ली है मैंने मशीन। 5:30 बजे लगा ली है मैंने मशीन। सुबह सुबह लो हमारी कॉलोनी के नज़ारे, आप ये देखो कॉलोनी का व्यू। सुबह सुबह लगा ली है मैंने मशीन और आपको दिखा रही कॉलोनी का सारा व्यू। ये दिखा रही हूँ कॉलोनी का व्यू। ये कपड़े पड़े हैं धोने वाले। ये देखो कुछ कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए हैं, कुछ पड़े हैं और कुछ रखे हैं ये धोने वाले। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? आई हो, आप सभी अच्छे हो गए और मैं हाजिर हुई हूँ प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग लेके सुबह सुबह। और काफ़ी काम मेरा हो चुका है, चाय वगैरह पी ली है सभी ने और हमारी बन गई है सब्जी। और अब मैं करने लगी हूँ, डैडी जी ले आए हैं तरबूज बद्दू सारे मंडी से लेके आए, काफ़ी तरबूज। तो अब सुबह सुबह सभी ने खाए तरबूज। आप भी खा लो हमारे साथ तरबूज सुबह सुबह, क्योंकि ठंडे ठंडे डैडी जी लेके आए बहुत सारे। चाय पीने के बाद थोड़ी देर बाद खाने लगे सभी तरबूज। अब उसके बाद करेंगे नाश्ता, तो हो गया फिर भी करेंगे रोटी खाना ना, खाना तो खाना ही है। बच्चे मेरे चले गए स्कूल। तरबूज खाने के बाद मैं आ गई हूँ रसोई में। अब मैं लगाऊंगी कढ़ी में तड़का, क्योंकि कढ़ी मेरी बनी रखी है। तेल मेरा हो रहा है गरम, तेल मेरा हो चुका गरम। अब मैं डालूंगी इसमें जीरा, फिर डालूंगी ये प्याज। ये प्याज जो मैं लंबे काटे हैं बड़ी बड़े, और फिर डालूंगी मिर्च और प्याज, फिर डालूंगी मैं कड़ी पत्ता काट के रखा मैंने। अब मैं डाल दी इसमें हींग, तो हींग तो बहुत अच्छी होती पेट के लिए। और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें टमाटर। तड़का मेरा भुन चुका है ये देखो। अब मैं डालूंगी इसमें कड़ी, अब ये डालूंगी इसमें कड़ी। आप भी इसको कड़ी को बनाने के बाद तड़का लगा के खाएं, क्योंकि इसका दोगुना स्वाद हो जाता है, बहुत टेस्टी बन जाती है। अब इसका वेट करेंगे उबलने तक। ये कड़ी हमारी थी पालक वाली, ये देख कितनी अच्छी बनके हो गई रेडी। और आप भी हमेशा कड़ी बना के तड़का लगाएं बाद में, तो बहुत टेस्टी बनती है, स्वाद बहुत होता है इसमें। अब ये पक चुकी है, तो अब इसको कर देंगे बंद गैस को।
बेटा के कपड़े, बेटा के उसमें रख दूंगी अलमीरा में। आज मेरी मम्मी जी ने बनाई है खीर। ये देखो कितनी अच्छी खीर बनाई, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छी खीर बनाते हैं, तो इसलिए हम लोग उनको कहते हैं कि मम्मी तुम ही बना दो पहले खीर, क्योंकि वो बहुत अच्छी खीर बनाते हैं। और ये बन गई है सब्जी, मेरी देवरानी ने बना ली है। ये तेल हो रहा है गरम और बनेगी पूड़ियाँ आज। और वो देखो रखा है दूध, खीर भी मैंने पानी भर लिया और खीर मैंने रख ली है ठंडी होने, क्योंकि खीर ठंडी ही अच्छी लगती है। हमारे घर में सभी लोग ठंडी करके ही खाते हैं खीर, तो खीर मैंने रख दी है ठंडी होने।